गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टीएवी कॉलेज की ई लर्निंग क्लासेस में आज अपने कंप्यूटर एप्लीकेशन थर्ड ईयर का सब्जेक्ट पढ़ेंगे। जिस विषय में क्लासेस स्टार्ट करने से पहले थर्ड ईयर के अंदर जो सब्जेक्ट्स आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन में मिलते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, थर्ड ईयर जो बीए, बीकॉम और बीएससी मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों, इन तीनों के थर्ड ईयर के अंदर अगर आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट लिया है, ठीक है, तो आपके पास दो पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड। ठीक है, तो आज की क्लास में अपने एज ए इंट्रो ये पढ़ेंगे कि आपके थर्ड ईयर के अंदर कौन से सब्जेक्ट कंप्यूटर्स में आपको पढ़ने हैं और उनका रोल क्या है आपके एकेडमिक्स में और प्रैक्टिकल वेज में। ठीक है, एज ए प्रोफेशनल कोर्स की तरह आपको ये वर्किंग एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड करता है जिससे आप अर्निंग भी बना सकते हो अगर इनको आप पढ़ते हो सकते। ठीक है, तो इसमें पहला सब्जेक्ट जो है वो है डीडीपी। डीडीपी लगभग सभी ने पढ़ा होगा। डीडीपी सब्जेक्ट्स जो है वो वेब डिजाइनिंग में भी यूज किया जाता है। कैसे यूज किया जाता है, वेब डिजाइनिंग की बात करेंगे कि कोडिंग वगैरह में यूज करते हो, लेकिन वेब डिजाइनिंग में जहां पर भी इमेज टर्म आएगी उस पर डेस्कटॉप पब्लिकेशन परफॉर्म होगा, मतलब डेस्कटॉप पे जो प्रोग्रामिंग है या इमेज के ऊपर जो अपने इफेक्ट्स यूज करते हैं वो सारे डीडीपी के थ्रू किए जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड सब्जेक्ट जो है वो आपका है पीएचपी प्रोग्रामिंग। तो ये आपके दो सब्जेक्ट्स जो हैं कंप्यूटर के अंदर, डीडीपी और पीएचपी प्रोग्रामिंग, ये दो सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं। दोनों के अलग अलग पेपर होंगे और प्रैक्टिकल्स जो बनेंगे वो डीडीपी के और पीएचपी के इकट्ठे होते हैं। ठीक है, तो डीडीपी के अंदर जो आपका ऑप्शन होता है 75 मार्क्स, ठीक है, मतलब 150 आपके मार्क्स होंगे वो प्रैक्टिकल बेस होते हैं, प्रैक्टिकल बेस। इसके बाद अभी ईयरली कोर्सेज की बात कर रहे हैं, तो आज जो अपने सब्जेक्ट पहला सब्जेक्ट जो स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट सब्जेक्ट जो बात करेंगे, पहले बात करेंगे डीडीपी के ऊपर, सेकंड सब्जेक्ट सेकंड सेक्शन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले अपने डीडीपी की बात करते हैं कि डीडीपी है क्या चीज, डीडीपी का रोल क्या है, डीडीपी का यूज क्या है। ठीक है, किसी भी इमेज या बैनर, पोस्टर, टेम्पलेट्स बनानी हो तो आपको पिक्चर एडिटर या पिक्चर मैनेजर जो सॉफ्टवेयर होते हैं, या वो अपने कह सकते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं इसके बारे में हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। ऐसे सॉफ्टवेयर जो पर्टिकुलर पर्पस के लिए डिजाइन किए जाते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं या बनाए जाते हैं वो क्या कहलाएंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे अपने बात करेंगे डीटीपी के अंदर, तो डेस्कटॉप पब्लिकेशन जो अपना सब्जेक्ट है इसमें अपने तीन टाइप के सॉफ्टवेयर यूज करना सीखेंगे। कौन कौन से, पहला है पेज मेकर,
पहला पेज मेकर, दूसरा फोटोशॉप एंड थर्ड कोरल ड्रॉ। ये तीनों सॉफ्टवेयर डेस्कटॉप पब्लिकेशन के लिए यूज किए जाते हैं। इन तीनों सॉफ्टवेयर को अपने यूज करेंगे अपने इस सब्जेक्ट के अंदर, और इसी बेस के ऊपर ही, इन्हीं सॉफ्टवेयर के बेस के ऊपर ही इनके प्रैक्टिकल्स परफॉर्म होते हैं। जैसे कि पेज मेकर के अंदर आपको पेज डिजाइन करना है, फोटोशॉप में फोटो इफेक्ट्स, किसी फोटो में इफेक्ट्स डालना है, या किसी फोटो का बैकग्राउंड चेंज करना है, या बैकग्राउंड चेंज करने के लिए बैकग्राउंड हटाना है, किसी इमेज को ट्रांसपेरेंट बनाना है या ग्लो इफेक्ट देना है, ठीक है। इसके अलावा कलर्स का कम्बिनेशन कम या ज़्यादा करना है, इस तरीके से बहुत सारे इफेक्ट्स हमने फोटोशॉप में यूज करेंगे किसी फोटोज पर, पिक्स पर, ठीक है। फोटोशॉप और कोरल ड्रॉ दोनों इमेज पे काम करती हैं, दोनों सॉफ्टवेयर इमेज पे काम करते हैं, लेकिन जो कोरल ड्रॉ है इससे बड़े बैनर पोस्टर डिजाइन किए जाते हैं। और कोरल ड्रॉ का बेनिफिट ये होता है कि ये वेक्टर बेस्ड है, वेक्टर बेस का मतलब क्या होगा? वेक्टर बेस मींस इसके अंदर जो पिक्सल या पिक्चर्स आप डिजाइन करोगे, पिक्चर डिजाइन करोगे या पिक्चर से इफेक्ट जो डालोगे या पिक्चर को यूज करोगे, जो वर्क होगा उसके ऊपर वो वेक्टर बेस होगा, ठीक है। इनकी वेक्टर और रास्टर बेस जो टेक्निक्स होती हैं उनमें क्या डिफरेंस है, फोटोशॉप और कोरल ड्रॉ में क्या डिफरेंस है, ये आपका ये कह दो कि आपको ढूंढना है। नेक्स्ट क्लास जब आएगी तो अपने इसके ऊपर डिटेल में पढ़ेंगे कि फोटोशॉप और कोरल ड्रॉ में क्या डिफरेंस है। सीक्वेंस की सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो अपने पहले पेज मेकर पढ़ेंगे, उसके बाद फोटोशॉप और उसके बाद कोरल ड्रॉ। इसके बाद पेज मेकर की बात करते हैं, किसी ने फर्स्ट ईयर में आपने सब्जेक्ट पढ़ा होगा पीसी सॉफ्टवेयर, जिनके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन थी सभी ने पीसी सॉफ्टवेयर पढ़ा होगा, ठीक है। तो पीसी सॉफ्टवेयर जो है इसमें आप क्या पढ़ते थे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ते थे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या था? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, इट मीन्स ऐसा सॉफ्टवेयर जो वर्ड्स की प्रोसेसिंग के लिए यूज किया जाता है, या वर्ड प्रोसेसर बोल सकते हो आप, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हो या वर्ड प्रोसेसर भी बोल सकते हो। तो एमएस वर्ड क्या था? वर्ड प्रोसेसर था। क्यों था? क्योंकि इस सॉफ्टवेयर के अंदर या इस एप्लीकेशन के अंदर अपने क्या करते थे, फॉर्मेटिंग करनी होती थी, पेज फॉर्मेटिंग अपने क्या करते थे, पेज की फॉर्मेटिंग करते थे। पेज फॉर्मेटिंग क्या होता था? पेज साइज A4 लीगल, अलग अलग पेज साइज होते हैं तो अपने जो जनरल यूज करते हैं वो A4 साइज पेपर यूज करते हैं, तो वर्ड फॉर पेज फॉर्मेटिंग करते थे। उसके बाद अपने पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कैसे होती थी, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, सेंट्रल अलाइन, और जस्टिफाइड, ठीक है। ये अपने जस्टिफाइड पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग के लिए यूज करते थे। इसके अलावा अपने वर्ड्स के अंदर बोल्ड, ठीक है, और इटैलिक, इसके अलावा
हैशटैग यूज करते थे, वर्ड बोल्ड अंडरलाइन, इस तरीके से अपने डिफरेंट टूल्स जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर एमएस वर्ड की बात करते हैं अपने यूज करके एक पैराग्राफ को फॉर्मेटेड करते थे, एक पेज को फॉर्मेटिंग करते थे, पेज फॉर्मेटेड फॉर्म में बनाना होता था, तो अपने ये सारी चीज़ें यूज करते थे। इसके अलावा रूलर बार से रूलर शिफ्ट करना, अलाइनमेंट करना, तो ये सारी चीज़ें अपने किसी भी वर्ड प्रोसेसर में करते थे। ठीक है, अब क्या होगा, यही सारा वर्क जो आप एमएस वर्ड में करते थे उसको आप पेज मेकर में कर सकते हैं। ठीक है, पेज मेकर में कर सकते हो। पेज मेकर में करने का बेनिफिट क्या है, टर्म्स आएंगी कि पेज मेकर में क्यों करें जब अपने पास एमएस वर्ड है। ठीक है, तो आपको टेक्निक या वजह बताता हूँ, क्योंकि जो पेज मेकर है उसके अंदर आपको पेज के हर पोर्शन हर पॉइंट पर आप प्रिंट कर सकते हो या टेक्स्ट अलाइनमेंट कर सकते हो। और फर्स्ट जो आप वर्ड प्रोसेसिंग की बात करते हो तो पेज मेकर के द्वारा ही वर्ड प्रोसेसिंग स्टार्ट हुई थी। इसके अलावा आप कहीं लीगल सेक्शन पे जाओगे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाओगे या कचहरी वगैरह में आप जाते हो तो वहाँ आप देखोगे सभी पेज मेकर पर वर्क करते थे। ठीक है, ऑब्वियस है इसके कुछ बेनिफिट्स थे पहले वाले एमएस वर्ड से, जो एमएस वर्ड पहले आता था उससे बेटर पेज मेकर था। ठीक है ना, तो अब क्या हुआ, जैसे जैसे टूल्स इंटीग्रेट होते हैं, जैसे अपने पेज मेकर का अपने बात करें तो आउटडेटेड हो गया और एमएस ऑफिस अभी भी अपग्रेडेड हो रहा है और न्यू सेक्शन में पेज के लिए एडोब ने नए ही सॉफ्टवेयर लॉन्च कर रखा है। इसी तरीके फोटोशॉप की अपग्रेडेशन भी चल रही है, कोरल ड्रॉ भी हर साल अपग्रेड होता है, तो कुछ फीचर्स इन बिल्ड अपने ऐड होते रहते हैं। ठीक है, तो अपने जो आज की क्लास है उसमें ब्रीफ आइडिया है कि आपके पास कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज होंगे। ठीक है, तो अपने डीटीपी की बात करते हैं तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन के अंदर वी यूज पेज मेकर, फोटोशॉप एंड कोरल ड्रॉ। ठीक है, ऑल ऑफ दीज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज टू परफॉर्म डेस्कटॉप पब्लिकेशन, इट मीन्स दीज सॉफ्टवेयर रिलेटेड टू डेस्कटॉप पब्लिकेशन। अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस वी फर्स्ट डिस्कस पेज मेकर, आफ्टर दैट फोटोशॉप एंड लास्ट कोरल ड्रॉ। ठीक है, आपके पास जो बुक्स हैं लाइब्रेरी सेक्शन में वो बहुत हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगी, लेकिन आई प्रेफर टू लर्न फ्रॉम इंग्लिश बुक्स। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्लास अपने स्टार्ट करेंगे वो सब्जेक्ट के टॉपिक को लेकर स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा है कि डीटीपी जो है आपका बीए बीकॉम बीएससी थर्ड ईयर कंप्यूटर एप्लीकेशन में फर्स्ट पेपर होता है। ठीक है, प्रैक्टिकल्स और थ्योरी। ठीक है, प्रैक्टिकल्स कंबाइंड होते हैं दोनों के और थ्योरी इंडिविजुअल। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इससे आगे टॉपिक और परफॉर्म करेंगे। थैंक यू।